क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में प्रचंड प्रैक्टिस कर रही है और अब पहले मैच का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। भारत के सबसे बड़े वनडे बल्लेबाज और हिटमैन रोहित शर्मा टीम में ही नहीं है तो कप्तान विराट कोहली को पहले वनडे की प्लेइंग 11 बनाने में खासी माथापच्ची हो रही है। लेकिन इस बीच प्रैक्टिस के दौरान, प्रैक्टिस मैच के बाद विराट ने रोहित के बगैर जो टीम बनने वाली है वो फाइनल कर दी है। विराट ने अपने 11 खिलाड़ी तय कर दिए हैं जो 27 नवंबर को पहला वनडे मैच खेलेंगे और बड़ी बात यह है कि रोहित के जो दो खिलाड़ी रिप्लेसमेंट माने जा रहे थे उन दोनों को ही खिलाया जा रहा है, यानी रोहित के एक स्लॉट पर दो खिलाड़ी खेलने जा रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं, कुछ ऐसे धाकड़ भी हैं जिन्हें मायूस होना पड़ सकता है क्योंकि उन्हें पहले वनडे मैच में मौका नहीं मिल रहा है, जबकि कुछ बड़े खिलाड़ियों की लंबे समय बाद एंट्री हुई है। तो बताते हैं आपको रोहित के बगैर कैसी है पहले वनडे की टीम और कौन कौन खिलाड़ी टीम में शामिल हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी है टीम और कैसा है पहले वनडे की टीम का कॉम्बिनेशन, कमेंट जरूर करें। टीम के पहले ओपनर शिखर धवन ही होंगे जो कि जबरदस्त फॉर्म में हैं और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी धवन ने कमाल की बल्लेबाजी की थी और हिटमैन की जगह पर यहां मयंक अग्रवाल को ओपनिंग का मौका मिलने जा रहा है। जी हां, मयंक भी बेहतरीन फॉर्म में है और ऑस्ट्रेलिया में मयंक ने खासा प्रभावित किया है, इसीलिए मयंक अग्रवाल को ओपनिंग का मौका मिल रहा है। पहली बार धवन और मयंक की जोड़ी वनडे में ओपनिंग करने उतरेगी और वैसे आईपीएल के बाद देखें भी तो यही ओपनिंग जोड़ी सबसे शानदार है। तीसरे नंबर पर कप्तान विराट कोहली खुद खेलने आएंगे। विराट भी अच्छी फॉर्म में है और विराट ने भी आईपीएल में खासे रन बनाए थे और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में तो विराट का बल्ला हर बार चलता है और इसीलिए यहां भी विराट से यही उम्मीद है। अब चौथे नंबर की बात करते हैं जिसमें खासा रोटेशन तक देखा गया था, लेकिन अब मार्च में हुई अफ्रीका सीरीज से पहले श्रेयस अय्यर ने चौथे नंबर पर अपनी जगह पक्की कर ली थी और आईपीएल में भी अय्यर ने न सिर्फ बल्लेबाजी बल्कि कप्तानी से भी प्रभावित किया तो यहां पर अय्यर चौथे नंबर पर खेलने आएंगे। पांचवें नंबर पर बिल्कुल अप्रत्याशित खिलाड़ी की एंट्री हो रही है। जी हां, पांचवें नंबर पर केएल राहुल को रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के खिलाफ हुई भारत की आखिरी दो वनडे सीरीज में शानदार खेल दिखाने वाले राहुल को पांचवें नंबर पर रखा गया है और राहुल ही विकेट कीपर की भी भूमिका में होंगे। जी हां, T20 और टेस्ट मैचों में बतौर ओपनर खेलने वाले राहुल यहां पर पांचवें नंबर पर खेलेंगे और कीपिंग भी करेंगे। अब विराट कोहली राहुल को पांचवें नंबर पर इसलिए खिलाना चाहते हैं क्योंकि ओपनिंग में जब हिटमैन की वापसी होगी तो राहुल के लिए जगह मुश्किल हो सकती है और राहुल जैसे बड़े खिलाड़ी को विराट ड्रॉप नहीं करना चाहते। छठे नंबर की बात करते हैं तो यहां पर कुंगफू पांड्या यानी हार्दिक की वापसी हो रही है। जी हां, हार्दिक लंबे समय बाद टीम इंडिया में लौट रहे हैं और छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। हालांकि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करेंगे या नहीं ये अभी तक फाइनल नहीं है, लेकिन हां हार्दिक टीम में वापसी छठे नंबर पर जरूर कर रहे हैं और आखिरी ओवर्स में हार्दिक पांड्या क्या कमाल कर सकते हैं हम सभी जानते हैं। सातवें नंबर पर रविंद्र जडेजा को टीम में रखा जाना तय है। जडेजा ने आईपीएल में शानदार खेल दिखाया था, बल्लेबाजी सीएसके के लिए कमाल की थी तो गेंदबाजी में भी काफी दमखम दिखाया था और प्रैक्टिस मैच में भी जडेजा पर खासा भरोसा जताया जा रहा है तो जडेजा की टीम में वापसी होगी और सातवें नंबर पर खेलने रविंद्र जडेजा ही आएंगे। अब बल्लेबाजी पूरी तरह से पावर पैक्ड है, ओपनर से लेकर सातवें नंबर तक धुआंधार बल्लेबाज हैं, ऐसे में गेंदबाज भी कमाल के चुने जा रहे हैं। पांड्या और जडेजा के अलावा चार विशुद्ध गेंदबाज टीम में रखे जाने हैं। तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी टीम को लीड करेंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। बुमराह और शमी ने अपनी अपनी टीमों के लिए आईपीएल में कैसा शानदार खेल दिखाया था, कितना कहर ढाया था ये हम सभी जानते हैं और अब बारी इंटरनेशनल मैचों की है। तीसरे तेज गेंदबाज नवदीप सैनी होंगे जो कि ऑस्ट्रेलियाई कंडीशन में कह डाल सकते हैं और सैनी विराट कोहली की भी पहली पसंद है। टीम में युजवेंद्र चहल के रूप में एकमात्र लेग स्पिनर को रखा गया है और चहल ने भी आईपीएल में अद्भुत खेल दिखाया था। जडेजा और चहल की स्पिन जोड़ी सिडनी में कमाल कर सकती है। अब हालांकि इस दौरान कुछ ऐसे बड़े खिलाड़ी भी हैं जिन्हें पहले वनडे मैच में मौका नहीं मिलेगा। मनीष पांडे, संजू सैमसन, कुलदीप यादव, शुभमान गिल और शार्दुल ठाकुर को पहले वनडे मैच में खेलने का मौका नहीं मिलेगा, यानी इन्हें फिलहाल बेंच पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करना होगा।
तो कुल मिलाकर टीम बिल्कुल परफेक्ट है, टीम में बदलाव की संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि विराट और टीम मैनेजमेंट ने प्रैक्टिस के दौरान ही ये बड़ा इशारा दिया और इन्हीं खिलाड़ियों को मैच वाली प्रैक्टिस ज्यादा कराई जा रही है और ये टीम कंगारुओं को पूरी तरह से कुचल देगी, इसका हमें पूरा भरोसा है। तो आपका इस टीम पर क्या कहना है, कैसी है पहले वनडे के लिए टीम और कैसा है कॉम्बिनेशन, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पर बेहद गलत और अभद्र टिप्पणी कर मुश्किलों में आए सूर्य कुमार यादव की मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं और सूर्या के साथ साथ रोहित शर्मा भी अब लपेटे में आ गए हैं। दिग्गजों ने दोनों को इमेच्योर और बच्चा तक कह दिया और यहां तक कि वीरेंद्र सहवाग ने तो सूर्य कुमार यादव के लिए कह दिया कि इसीलिए सूर्या इंडियन टीम में नहीं खेलता क्योंकि वो मैच्योर ही नहीं है। तो सूर्या के बयान के बाद कैसे हो गया बवाल, कैसे दिग्गजों ने सूर्या के साथ साथ रोहित को भी लपेट लिया, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस बड़ी खबर को तुरंत शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हां, सूर्या रोहित और विराट के लिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो सूर्य कुमार यादव ने कप्तान विराट कोहली को लेकर बेहद बचकाना बयान दिया था और विराट को पेपर कैप्टन कह दिया था। इतना ही नहीं, सूर्या ने विराट के साथ साथ बीसीसीआई को भी ऐसा भेड़िया बताया था जो रोहित शर्मा को टीम इंडिया में आने ही नहीं दे रहे। अब सूर्या ने हालांकि इस बयान के बाद चतुराई से विराट की तारीफ भी कर दी थी, लेकिन अब सूर्या के इस जेस्चर पर, इस बर्ताव पर दिग्गजों ने कड़ी फटकार लगाई है। टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने सूर्या की मैच्योरिटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सहवाग ने कहा कि ये सूर्या ने जो किया है वो बचपना है और शायद इसीलिए सूर्या टीम इंडिया में नहीं खेलता। सहवाग ने कहा कि ये ठीक है कि आप अपने आईपीएल फ्रेंचाइजी कैप्टन को सपोर्ट करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेशनल कैप्टन को बुरा भला कहो या गालियां देने वालों का समर्थन करो। सहवाग ने तो यहां तक कह दिया कि सूर्या को टीम इंडिया में जगह बनानी है तो बल्ले से रन बनाने होंगे और कुछ तमीज सीखनी होगी। सहवाग ने यह भी कहा कि रोहित को कुछ तो सूर्य कुमार यादव को सिखाना चाहिए था। वहीं विराट कोहली के कड़े आलोचक माने जाने वाले गौतम गंभीर ने भी सूर्या को आड़े हाथों ले लिया। गंभीर ने कहा कि रोहित को टीम में नहीं चुना ये दुर्भाग्य है, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया वो भी बेहद अपमानजनक है। गंभीर ने तो यहां तक कह दिया कि सूर्य कुमार को इस पर माफी मांगनी चाहिए क्योंकि ये न सिर्फ विराट बल्कि पूरे भारतीय क्रिकेट का अपमान है। पूर्व ऑलराउंडर और लंका प्रीमियर लीग खेलने गए इरफान पठान ने भी कहा कि सूर्य कुमार यादव को अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए, सूर्या अगर ऐसे गलत ट्रैक पर जाएंगे तो नेशनल टीम में उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा क्योंकि कोई भी कैप्टन अपनी टीम में बवाल करने वाला खिलाड़ी नहीं रखता और सूर्या को ये समझना होगा। अब कुल मिलाकर अपने आईपीएल कैप्टन का सपोर्ट करके विराट कोहली पर गंदी टिप्पणी करके सूर्य कुमार यादव बुरी तरह से फंस गए हैं। सोशल मीडिया पर तो सूर्या को खासा ट्रोल होना पड़ रहा है, तो अब दिग्गजों ने भी सूर्य कुमार के साथ साथ रोहित को भी खरी खरी सुना दी और बता दिया कि सूर्या ने गलत किया, माफी मांगनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या सूर्य कुमार ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या सूर्य कुमार ने गलत किया और क्या सूर्या के साथ साथ रोहित को भी माफी मांगनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को अभी शेयर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।